और क्या आज भी हमारे राजपूत साउंड सर्विस ग्राम बगनौड़ी से प्रोप्राइटर हमारे भाई अतुल राजपूत जी आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। गीत सुनिएगा। सुनिए। सूर्य भगवान से शिक्षा लेने के लिए हनुमान जी गए। हाँ। सूर्य से शिक्षा प्राप्त की लेकिन कुछ शिक्षा जो शेष रह गई। अच्छा। सूर्य देवता ने कहा कि पहले आपको गृहस्थ बनना पड़ेगा। और क्या, यानी विवाह करना पड़ेगा तब ये शिक्षा आपको दी जाएगी। बहुत सही। हनुमान जी ने कहा कि हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। और क्या, हम विवाह कैसे कर सकते हैं। लेकिन कहा कि विवाह नहीं करोगे तो ये शिक्षा नहीं मिलेगी, ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो औपचारिकता बस विवाह कर लूंगा लेकिन कैसे। अदने भाई विनय जी, भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री सुमरचला से हनुमान जी का विवाह करा दिया। जब विवाह करा दिया तो सुमरचला भगवान राम जी से कह रही है क्या कि प्रभु प्रभु अरे
ना। और क्या, अब हनुमान जी राम जी के पुत्र कैसे हो गए? कैसे बेटे कैसे? हनुमान जी स्वयं कहते हैं सुन सुत तोर उरिन में नाही। माता जानकी कहती हैं अजर अमर गुण निधि सुत हो। वाह, ये पहली नारी। और क्या, राम जी ने स्वयं कह दिया। अब दूसरी नारी सुनेगा, सुनिए। इधर सुवर्चला कह रही है, अशोक ठेकेदार सैदपुर से, आपकी तरफ से 11 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। सुनेगा श्री नंद किशोर जी श्रीवास परास है, आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। दूसरी नारी इधर सुलोचना आकर के राम जी से करी, राम राम जब मेघनाथ का वध कर दिया तो सुलोचना राम जी से आके कहने लगी, क्या फिल्मी अंतर बदल रहा है? कैसे बैठे कैसे? मेरी आँखियाँ मेरे सपने, मेरी आँखियाँ मेरे सपने, ले गया सत साथ वो अपने। इधर सलोचना करे राम जी से, प्रभु जब लिख करके दे, करने बताया जब लिख करके हर एक चूड़ी कर की करके दे, जब कटी भुजा ने लिख के बता दिया, लिख के बता दिया तो ये सलोचना आ गई। वो कह रही क्या क्या आई विपदा लखनलाल जी, तो माता सुमित्रा ने स्वयं कहा कि तात तुम्हार मात वैदेही और पिता। तीसरी नारी देखे कौन है, कौन है बेटा? अंतर बदल रहा है, फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं क्या बेटा? अरे सुनकर मेरी राम दुहाई, माता सीता ने जब पता लगा अश्वमेध का यज्ञ कराया राम जी ने तो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया तो हुआ क्या? हेलो, क्या हुआ? हेलो हेलो, देखो, अरे अश्वमेध का पकड़ा घोड़ा हो, इधर लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया, तो अश्वमेध का पकड़ा घोड़ा लव कुश बन गए राह करोड़ा। उसने उस घोड़े को पकड़ लिया तो भरत जी शत्रुघ्न जी लखन जी हनुमान जी हाँ सभी आ गए, बोले ये घोड़ा नहीं दूंगा, घोड़ा नहीं छोड़ा। जब स्वयं राम आकर के हमसे युद्ध करे तब ये घोड़ा वापस करूंगा, और क्या मुझसे युद्ध करके जीत के ले जाए तब दूंगा, और क्या। और जब राम जी स्वयं आ गए और इधर माता जानकी को पता चला कि राम से युद्ध करने जा रहे हैं, अच्छा तो माता सीता आ गई और कहे राम की रानी आई बड़ी है रानी, कहे राम की रानी आई बड़ी है रानी, अपनों से पैर जो पीना तो सुख दुख दीना तेरे ललन। Yeah.
कुछ आशीर्वाद भैया श्री मनमौजी परा नंद किशोर साउंड सर्विस परा आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है भैया। ये प्रोप्राइटर हमारे अनिल कुमार भैया जी राठ से पूरन परदेसी जी बुंदेली दूरदर्शन यूट्यूब चैनल आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं हैं। और बाबूजी टिकरिया से मनोज बिलवई आपकी तरफ से भी 21 पद मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए छोटा सा कट पीस चैनल का बोल दो। आपके मतलब की तर्ज दे रही हूँ, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया क्या? क्योंकि यहाँ जानकार लोग बैठे हैं और क्या, और हमारे सभी से निवेदन है श्रोताओं से गीत को सुनेगा। हाँ, सुनिए बैठे, फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? अरे हो गई मेली पोरी चुनरिया रघुकुल में आग और क्या, लागी लंका में आग। हाँ। आज ऐसी जगह आग लगा रही हूँ जो कभी लग ही नहीं सकती है। और क्या विनय भाई,
और क्या बहुत सादा कि बिना बाप ठे क्या बात है बिना ना मानत कि बिना ना मानत जल्दी जड़ हर गए तीन दिन भी बोले राम सकोप तब भय बिन हो प्रीत रामा भय बिन हो ना प्रीत राम जी ने देखा कि ये समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है राम जी क्रोध में आ गए ठीक आ गए ये विनय नहीं मान रहा है विनय नहीं मान रहा क्रोध दिखाइए तो देता न सागर मार्ग पानी केवल निशाना साधा इतने में ही आग लग गई और क्या सोने की लंका में आग लगा दी हनुमान जी ने और क्या तो इधर राम जी ने पानी में आग लगा दी बहुत अच्छे तो लागी पानी में आग प्रभु के सर से छोटा सा प्रयास रहा है आपकी सेवा में बड़े सुंदर चक्र को लेकर ये बड़ी
चलाए सुलझी हुई धुन दे रही हूँ। बिल्कुल फांसने का काम चालू कर दिया। अब मुझे महसूस हो रहा है कि कानपुर के कलाकारों में और भिंड के कलाकारों में कोई अंतर नहीं है ना। मैंने हाथी के खाने वाले दांत कुछ और होते हैं, दिखाने वाले कुछ और होते हैं। अब आप अपने पर आ चुके हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। हमको सीखने सीखना आप ही से तो है। जैसा आप बीज डालेंगे वैसा पैदा होगा। आइए कार्यक्रम को यहीं से शुभारंभ कर रहा हूँ। हेलो हेलो भैया मैन माइक। मुझे सरेआम दे गई ये। अरे ये झांसा मुझे सरेआम दे गई। मांगा था केला पर आम दे गई। मैंने बताया मेरे सीने में दर्द है। वो मेरे हाथों में झंडू बाम दे गई। ओहो वाह गुरु वाह। बहुत प्यारा गीत आया है। अरे हो गई मैली मोरी चदरिया। क्या बात है बेटा दीपा। क्या बात है बड़ा बहुत अच्छे। अरे हो गई मैली मोरी चदरिया। ये और बदन सिए मोरी चदरिया। ये के जाके जाके अपने बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे कर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दागे। हर छुटाऊं कैसे लगा चुनरी में दागे। छुटाऊं कैसे लगा चुनरी में दागे। अरे अंतर ज्वाला माने प्रभु राम ने सर उठाया। क्या बात है बेटा सुंदर कांड से आपने कार्य कटपीस को लिया है तो सागर के हृदय में आग लग गई तो बताने लगी कि लागी पानी में आगे। बस मेन बात आपकी ये है कि पानी जहां माने पानी आगे एक दूसरे के विरोधी है जबकि कभी देखा नहीं होगा कि पानी में आग लग जाए। आपने वो बात सिद्ध कर दी कि लागा पानी में। इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम तो कहना पड़ रहा है क्या बेटा भाई साहब इससे धीमा अगर और हो जाए तो कर देना। हेलो भैया ढोलक का बेस तो खोल दें। जब इंद्र ने अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया आपने पानी से आग दिखाई। मैं कहां से आग प्रकट कर रहा हूं। अरे तभी तो जवाबी है अगर लगे कि जहां से आग नहीं होना चाहिए वहां से आग निकल रही है तब तो जवाबी है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। सर में नहीं बची अखियन में। आराम से बेटा आराम से। सर में नहीं है
बची अखियन में बहन जी किया इशारा तब आंखों में शर्म बची नहीं आंखों में किया इशारा तब आंखों में काहे को मामा खर्च कर रहे में नहीं है बची आंखों में और किया इशारा तब आंखों में ये शर्म ने शर्म छोड़ दी इंद्र आ गया इंद्र ने उस अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और का ताकि कपिल मुनि का यह तप भंग हो जाए क्या हुआ तो आंखें मिलाते हो आंखें उठा करके आंख मिलाते हो आंख उठा करके और चाहे भाग ना वो आंख बचा करके तो अब कहना है क्या के लागी लड़को कमल में लागी लड़कों में आके अब के लागी लड़कों में आके मुनि की नजर से ये नजर लगाई कपिल मुनि ने जैसे ही देखा तो वो 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए क्या हो तो लागी आंखों से आगे बताओ कैसे लागे आंखों से आगे बताओ कैसे लागी आंखों से आगे जबकि आपकी लाइन कह रही है कि लागी पानी में आगे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लागे आंखों से आगे बताओ ऐसे लागी आंखों से आगे बताओ कैसे लागी आंखों से आगे आपके बेकार कटपीस का बेकार जवाब जैसा माल वैसा दाम बिल्कुल आइए बहन जी ये गीत आपका है वो गीत बहुत ही प्रिय लगा अच्छा भी गीत ये आपने बढ़िया गीत को संजोया है
तेरे ललन ने बड़ा सुख दीना और तेरे ललन ने बड़ा दुख दीना, या है तेरे ललन ने सुख दुख दीना। बहुत बढ़िया बात, आइए प्रयास कर रहा हूं और जवाब हो जाए तब विनय शर्मा। बोसाना है पंचानवे। हाँ जी, एक बार जब विभीषण प्रभु राम की शरण में पहुंचे, कहा प्रभु से कि प्रभु जो आपका ये भाई हनुमान है इसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या हो? अरे आपके इस भाई ने बोसाना है, मैं हूं पीतल। ये जो आपका भाई हनुमान है बोसाना है, मैं हूं पीतल, मैं तो तपा हूं पोहे शीतल। ये समझिए कि मुझे भक्ति दिखाई शरण आपकी दिलाई आपके भाई हनुमान ने। मुझे शक्ति सिखाई, मुझे भक्ति सिखाई शरण आपकी दिलाई, मेरा सफल हो गया दीना। मेरा सफल हो गया दीना। प्रभु बड़ा सुख दी, बड़ा सुख दीना आपके अनुज ने, बड़ा सुख दी। अब कैसे, क्योंकि सुंदरकांड में एक चौपाई आती है कि रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत है सब, तुम मम प्रिय भरत है सब भाई। तो आपके इस भाई ने मुझे शक्ति दिलाई शरण आपकी दिलाई, मेरा सफल हो गया जीना, बड़ा सुख दीना आपके अनुज ने, बड़ा सुख आपके अनुज ने, बड़ा सुख दीना आपके अनुज ने, बड़ा सुख दीना। दूसरी बात देखिए, हाँ हाँ सुनिए, जब श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छूटा तो वो राजा सुख ने रोक लिया, और घोड़े के पीछे लक्ष्मण के पुत्र अंगद चल रहे थे। युद्ध हुआ तो राजा सुरथ के छक्के छुड़ा दिए। अंगद ने जब हनुमान जी से, राजा सुरथ कहते हैं, राजा सुरथ कहते हैं ओ राजा सुरथ ने रण है रचाया। ये बहुत छोड़ना बहुत छे और लोग हमारे मारा हुआ जो राजा सुरथ ने रण है रचाया, और लखन के सुते ने क्रोध दिखाया। ये तब मुझे आंख दिलाई कीनी है लड़ाई, मुझे आंख दिखाई कीनी है लड़ाई, आ गया था मुझे पसीना। तो हे हनुमान, हाँ हे हनुमान, हे हनुमान,
क्या बात है? बड़ा दुख दीना। पहली बात आपकी कह रही थी कि बड़ा सुख दीना, तो यहाँ विभीषण कह रहे हैं कि हे प्रभु बड़ा सुख दीना आपके अनुज ने, बड़ा सुख दीना। दुख की देखिए, अब दुख वाली बात चल रही है। क्या बात है बड़ा? मुझे आंख दिखाई की नहीं है लड़ाई, आ गया था मुझे पसीना। ये हनुमान हनुमान से बताने लगे। हाँ। कहा क्या? बड़ा सुख बड़ा दुख दीन हा, अरे तुम्हारे अनुज ने बड़ा सुख दीन हा, तुम्हारे अनुज ने अब आपके अनुज ने बड़ा सुख दीना। चूंकि बहन जी आपने ही चौपाई पढ़ी है, आपने बताया है कि तुम सुनसुत तो है उरन में नहीं। आप ही ने इस चौपाई को सिद्ध किया है। और का कि जब हनुमान को सुत कहा गया, बिल्कुल तो लव कुश लक्ष्मण का पुत्र हनुमान का भाई हुआ। तब वो राजा कहने लगे सुरत हनुमान से, ओ मुझे आंख दिखाई की नहीं है लड़ाई, आ गया था मुझे पसीना। इस भाई ने बड़ा दुख दीना, बड़ा दुख दीना आपके अनुज ने, बड़ा दुख आपके अनुज ने, बड़ा दुख दीना आपके अनुज ने, बड़ा दुख दीना। क्या बात है बड़ा? और एक कहानी और बताना चाहता था, महाराज वामदेव की कहानी को लेकर चल रहा हूं। हे उपाय बताया मुझको समझाया, अरे हे उपाय बताया मुझको समझाया,